एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आर्मी ही मेरी लाइफ है सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना अभी अभी कुछ ही दिन पहले विक्की कौशल के अपकमिंग फिल्म सेम बहादुर का टीजर रिलीज हो चुका है एक मिनट और 26 सेकंड के इस टीजर को देखने के बाद आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना जाग उठेगी विक्की कौशल की फिल्म सेम बहादुर को लेकर पिछले काफी टाइम से चर्चा चल रही थी और फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री ऐसी इंतजार कर रहे है एहे, रहा नहीं जाता तड़प ही वही ऑडियंस के एक्साइटमेंट को दुगना करने के लिए मेकरस ने इस फिल्म के टीजर को रिलीज कर दिया है और आज हम उसी टीजर के बारे में बात करने वाले है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एक मिनट और छब्बीस सेकंड की आई टीजर बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार है और इस फिल्म के लीड कैरेक्टर बहादुर ये वो नाम है जिसके बारे में लोगों का जानना बहुत जरूरी है और ये फिल्म उन्हीं की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है उन्होंने 1971 के इंडो पाक वॉर में इंडियन आर्मी को लीड किया था जिस वॉर में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और उस वक्त सेम बहादुर इंडियन आर्मी के पहले फील्ड मार्शल थे और बेशक वो वॉर हम जीत गए थे और वर्ल्ड वॉर टू में उन्होंने अपनी बॉडी पर दुश्मन की नोट नौ गोलियां खाई थी और उस सीन को इस फिल्म के टीजर में कवर किया गया है और उनका असली नाम है सैम मानेक शो और ये फिल्म उनके लाइफ की ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है मूवी के टीजर में विक्की कौशल की दमदार एक्टिंग हमें साफ साफ दिखाई देती है और उनकी एक्टिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में ये फिल्म कितना धमाल मचा सकती है और एक्टिंग के साथ साथ विक्की कौशल के डायलॉग डिलीवरी भी इस फिल्म में जबरदस्त दिखाई गई है कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में विक्की कौशल के अलावा फातिमा साना शेख सानिया मल्होत्रा मोहम्मद जिसान साकिब आयुब और नीरज काबी जैसे अच्छे एक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे और इतने सारे अच्छे एक्टर्स के होने का मतलब यही है की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ा धमाका करने वाली है इस फिल्म में विक्की कौशल सेम बहादुर का रोल प्ले करने वाले है और उनकी वाइफ के किरदार में हमें सानिया मल्होत्रा नजर आ जाएगी वहीं पर हम फातिमा साना शेख के बारे में बात करें तो वो इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में नजर आ जाएगी सेम बहादुर के टीजर में खास बात यह है कि इस फिल्म में देशभक्ति से भरपूर एक एक डायलॉग मौजूद है और सोशल मीडिया पर सेम बहादुर के टीजर को काफी ज्यादा पसंद किया गया है कहानी की बात करें तो इस फिल्म में भारत के पहले फील्ड मार्शल सेम मानेक शो की लाइफ की सच्ची कहानी के बारे में दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा की थी इस टीजर के आने के बाद ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है इस फिल्म का डायरेक्शन किया है मेघना गुलजार ने और ये फिल्म 1 दिसंबर 2023 को यानी कि एनिमल मूवी के साथ ही थिएटर में रिलीज की जाएगी और अब देखना यह है की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका कर पाती है तो दोस्तों अगर आपने इस फिल्म के टीजर को देख लिया है तो आपको ये टीजर कैसा लगा ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में